नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के समस्त विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले MDM यानी कि PM पोषण डिवीज़न, प्रधानमंत्री पोषण प्रभाग की जो खाना बनाने की लागत राशि है उसमें 9.6% की वृद्धि की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि MDM स्कूलों में बनने वाले MDM में कितनी राशि की वृद्धि की गई है। पत्र आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यह पत्र जारी हुआ है। शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, डेट 7 अक्टूबर 2022। टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एजुकेशन एंड नोडल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द स्टेट एंड UTS फॉर PM पोषण स्कीम। इसमें ये इंग्लिश में सारा पत्र है, मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी आगे दिखाने वाला हूँ। तो साथ ही आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट पर चाइल्ड पर डे अब कुछ इस प्रकार से रहेगा, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें प्रति छात्र छात्रा 5.45 रुपये, और जो मिडिल स्कूल हैं यानी कि अपर प्राइमर उनमें 8.17 रुपये 17 पैसे प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से अब यह लागत प्रदान की जाएगी। आइए अब हम पत्र का हिंदी वर्जन देख लेते हैं, उससे आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सेवा में विषय भारत शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा सेवा साक्षरता केंद्र शासित प्रधान सचिव नोडल विभाग मंत्री पोषण योजना के लिए चरण। महोदया, मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से PM पोषण योजना के तहत मौजूदा खाना पकाने की लागत में सामग्री लागत 9.6% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, और जो वृद्धि है 1 अक्टूबर 2022 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90/10 के अनुमोदित वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच सामग्री लागत साझा की जाएगी। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जो MDM में खाना बनाने की जो लागत है उसकी कुल राशि में 9.6% की वृद्धि की गई है, और जो वृद्धि है वह प्राथमिक स्तर पर 5.45 रुपये प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से प्रदान की जाएगी, और अपर प्राइमरी यानी कि मिडिल स्कूल पर 8.17 रुपये के हिसाब से प्रति विद्यार्थी प्रदान की जाएगी। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।